वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, आज कूलिंग टावर का पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो हमारा कूलिंग टावर है वो किस तरीके से काम करता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो हमारा किस तरीके से हमारा जो भी उसमें हॉट वाटर आता है उसको किस तरीके से वो ठंडा करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, कूलिंग टावर की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले है आप इस डायग्राम को समझिए। फ्रेंड्स, आप मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा। इस पॉइंट से देखिए, मेरा हॉट वाटर है, ये बेसिकली मेरा कूलिंग टावर के अंदर एंटर कर रहा है। ये मेरा एक पाइप है जिसमें मैंने वेरियस नोजल्स लगा रखी हैं। ये नोजल्स इसलिए लगा रखी हैं ताकि जो भी मेरा हॉट वाटर यहाँ से कूलिंग टावर के अंदर आए वो पूरे तरीके से अच्छे से स्प्रे हो। फ्रेंड्स, इस नोजल का पर्पज ये रहता है कि जो भी मेरा हॉट वाटर अंदर आ रहा है वो नोजल्स के थ्रू स्प्रे हो। सेकंड फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो ये देखिए, ये टॉप में मैंने एक फैन लगाया हुआ है कूलिंग टावर में। फ्रेंड्स, इस फैन का काम बेसिकली ये रहता है कि ये फैन मेरा एक निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्लाइट वैक्यूम वाला जोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो भी आस पास एयर प्रेजेंट होती है उसको वो एक मूवमेंट का पाथ प्रोवाइड करता है। ये आसपास से आपका, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पॉइंटों को आप देखिएगा, ये जितने आसपास में एयर होगी ये उस एयर को सक करेगा और अपने थ्रू पास करवाएगा। सो फ्रेंड्स, इस फैन की मूवमेंट की वजह से जो निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट हुआ उसकी वजह से इसने आजू बाजू से एयर को सक किया और ये एयर मेरी ऊपर की तरफ मूव की। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो एक्सचेंज सर्फेस लिखा हुआ है ये बेसिकली फिन्स होती हैं। इन फिन्स में क्या होता है, आपका ऊपर से हॉट वाटर गिर रहा है और नीचे से आपकी एयर पास कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों का कॉन्टेक्ट होता है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, यहाँ पे आपका हॉट वाटर ऊपर से गिर रहा है और नीचे से आपकी ठंडी एयर जा रही है। सो फ्रेंड्स, इन फिन्स के ऊपर बेसिकली दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया होता है, जहाँ पे आपका हॉट एयर और आपका एयर और हॉट वाटर कॉन्टेक्ट में आता है, जहां पे इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों होता है। सो फ्रेंड्स, आप इसका पर्पज अब समझ गए होंगे। ये बेसिकली दिया जाता है, फिन्स इसलिए दी जाती हैं ताकि आप जो भी आपका हॉट वाटर और जो एयर है उनके बीच में अच्छा कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड कर सके, ताकि हीट ट्रांसफर आपको मैक्सिमम मिले। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर के केस में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों चीजें होती हैं। जो फैन का मेरा पर्पज होता है वो बेसिकली एक निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करना होता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप आगे देखिए तो ये हॉट वाटर मेरा नीचे को गिरा, यहां से एयर के कॉन्टेक्ट में आया, तो जो मेरा हॉट वाटर है वो बेसिकली ठंडा हो गया और ठंडा कूल वाटर मैंने ये बॉटम में कलेक्ट कर लिया और जो मेरी एयर है वो हॉट होके टॉप से निकल गई। सो फ्रेंड्स, ये जो कूल्ड वाटर मेरे को नीचे मिला बेसिन में, इसको मैं इजिली अपने सिस्टम में लेके दोबारा यूज कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, होप आपको कूलिंग टावर का जस्ट एक बेसिक मॉडल क्लियर हो गया होगा माइंड में, कि जो कूलिंग टावर है उसका बेसिक मॉडल क्या होता है, उसमें फैन क्यों दिया रहता है, हॉट वाटर क्यों दिया रहता है। ये बेसिकली इस तरीके से आपके डिवाइडेड उसका जो सरफेस है वो इस तरीके से आपका क्यों बनाया जाता है, उसमें बेसिकली फिन्स क्यों दी जाती हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली इसका डिजाइन का पार्ट होता है, इस तरीके से मीन्स ओपन प्लेट्स जैसी लगी रहती हैं, इसका काम रहता है जस्ट उसके थ्रू एयर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और ये आपके ऊपर फिन्स हैं जिनका काम रहता है कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाना। सो फ्रेंड्स, होप आपको जस्ट एक बेसिक मॉडल क्लियर हो गया होगा कूलिंग टावर का, बिकॉज अब मैं डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो कूलिंग टावर है वो पानी को ठंडा कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखिए, इट इज अ हीट रिमूवल डिवाइस यूज टू ट्रांसफर वेस्ट हीट टू एटमोस्फेयर, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कूलिंग टावर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बिकॉज काफी सारे लोगों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर जो काम करता है उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये इवेपोरेशन ऑफ के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जो मेरा आपका जो पानी है वो ठंडा होता है। सो फ्रेंड्स, कूलिंग टावर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इवेपोरेशन है, यूनिट ऑपरेशन जिसपे वो काम करता है। इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू रिमूव प्रोसेस हीट एंड कूल द वर्किंग फ्लूइड नियर द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब फ्रेंड, ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है ये मैं आपको एक जस्ट यहाँ पे हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज इसको मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा। एक थर्मामीटर अगर है मेरे पास में, जिसके ऊपर जो उसका मेन सर्फेस है जहां से मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, अगर मैं वहां पे गीला कपड़ा लगा देता हूं तो वो जो टेम्परेचर मेजर करेगा उसको बेसिकली हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर।
फ्रेंड्स, कूलिंग टावर के केस में आप बार बार नॉर्मल एयर टेम्परेचर की जगह वेट बल्ब टेम्परेचर की बात सुनेंगे। उसका क्या रीजन होता है ये मैं आपको आगे चल के डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, अदरवाइज यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो बेसिकली यहां पे हीट ट्रांसफर होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से जो पानी है वो मेरा ठंडा होता है। यहां पे हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों चीजें एक साथ में होती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बेसिकली ये समझना जरूरी है कि कूलिंग टावर में पानी ठंडा क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कूलिंग टावर के केस में फ्रेंड्स क्या रहता है, एक तरफ आपकी एयर आ रही है, कूल एयर, और एक तरफ से आपका हॉट वाटर आ रहा है। तो जब फ्रेंड्स आपका कूल एयर और हॉट वाटर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है, तो अगर आपका जो एयर है, एयर में अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वो क्या करेगा, आपका जो वाटर है वहां से मॉइस्चर गेन करेगा। बिकॉज वो हर एक चीज एक इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी, बिकॉज आपका जो एयर है उसमें मॉइस्चर कम है और पानी आपका खाली मॉइस्चर है। सो वो क्या करेगा, आपका पानी से मॉइस्चर गेन करेगा। सो यहां पे आपका हीट ट्रांसफर, यहां पे आपका क्या है, मास ट्रांसफर हो रहा है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका उसने वहां से आपका ये गेन किया, मॉइस्चर गेन किया, उसके साथ में आपका क्या होगा कि जो आपका पानी है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से वो आपका इवेपोरेट होगा, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। अब जब पानी आपका इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन के लिए वो हीट एनर्जी कहां से लाएगा, तो वो हीट एनर्जी जो उसके अंदर सेल्फ एनर्जी रहती है, आपका जो कूलिंग वाटर के अंदर एनर्जी रहती है, वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो आपका कूल होता है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका हॉट वाटर और एयर, ये दोनों आपकी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई। अगर एयर में बेसिकली आपका मॉइस्चर कम है और इधर आपका पानी है, तो ये दोनों एक थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या रहेगा कि जो आपका एयर है वो एयर आपका मॉइस्चर वहां से एम्ब्रेस करेगी, बिकॉज ये अपने आप में मॉइस्चर लेना चाहेगी। अब फ्रेंड्स यहां पे आपका मास ट्रांसफर हो रहा है, अब जब आपका ये मॉइस्चर बाहर एयर आपका लेना चाहेगी, तो वो बेसिकली पानी को इवेपोरेट करेगी। अब इवेपोरेट जब पानी होगा, तो बेसिकली उसके लिए जो हीट रिलीज करेगा वो पानी अपने अंदर, सेल्फ जो उसके अंदर हीट रहती है वो बेसिकली उस हीट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो आपका इवेपोरेट होता है और एयर के साथ में कैरी ओवर होता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो ठंडा होता है और एयर आपकी गर्म होती है। सो फ्रेंड्स, इसको बेसिकली हम बोलते हैं, इस पूरे प्रिंसिपल को, इवेपोरेटिव कूलिंग। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को बोला जाता है इवेपोरेटिव कूलिंग। इसके दो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक आपका पहला एग्जांपल है कि आप जब भी आपने गर्मियों के दिन में देखा होगा, जब आप नहा के बाहर निकलते हैं और एकदम से आप एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको काफी ठंडा फील होता है। ये एक पहला एग्जांपल है। और एक दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स कि जब आप मटके में पानी भर के रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में वो पानी आपका काफी ज्यादा ठंडा होता है। ये दोनों के दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट काम होता है, जो आपका कूलिंग टावर में काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इवेपोरेटिव कूलिंग को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, इवेपोरेटिव कूलिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, वाटर जो भी है उसको एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अगर उसको आपका लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना है, ये आप सबको पता है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे ही वो आपका रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, कि अगर आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या है, वो उसका टेम्परेचर कम होगा। अब फ्रेंड्स अगर पानी को इवेपोरेट होना है, तो बेसिकली वो हीट कहां से लेगा, तो वो उसके अंदर जो हीट है वो उस हीट को यूटिलाइज करता है, और वो अपने अंदर जो लेटेंट हीट है वो उसको यूटिलाइज करता है और इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जिस भी सरफेस के कॉन्टेक्ट में है उसको वो ठंडा कर देता है। हमारे केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पानी है वो अपने अंदर जो भी उसके अंदर लेटेंट हीट है वो उसकी हेल्प से इवेपोरेट हो गया और उसने अपने आप को ठंडा कर दिया। सो फ्रेंड्स, इवेपोरेटिव कूलिंग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका कूलिंग टावर्स में अप्लाई होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है आपका अर्थन पॉट, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स यहां पे हम बात करते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग इन अर्थन पॉट। सो फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक मटका है, जो बेसिकली हम सबने देखा होगा इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स होगा क्या कि ये मेरा मिट्टी का बना हुआ रहता है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं सरफेस में, जिससे क्या रहेगा कि मेरा जो भी अंदर पानी भरा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सरफेस पे मेरे आ जाएगा।
अब फ्रेंड्स होगा क्या कि गर्मी के सीजन में बेसिकली बाहर मेरी हॉट एयर है जिसमें मेरा मॉइस्चर कम है और ये सरफेस पे मेरे मॉइस्चर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स होगा क्या जब एयर मेरी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो मॉइस्चर गेन करेगी और ये जो मीन सरफेस पे लगा हुआ मॉइस्चर है ये उसके इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। सो फ्रेंड्स होगा क्या कि ये जो मॉइस्चर है मेरा सरफेस पे ये क्या है, ये पानी या फिर मॉइस्चर आप बोल लीजिए जो मटके के सरफेस पे पड़ा हुआ है ये बेसिकली इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा इवेपोरेशन के लिए वो जो भी हीट एनर्जी देगा वो अपने आप से सेल्फ से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देता है, वो अपने खुद के अंदर जो एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से पानी खुद ठंडा हो जाएगा और एयर को गर्म करेगा। सो फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपका ये जो मटका है इसका जो सरफेस बिल्कुल ठंडा रहता है और हमें गर्मियों में भी ठंडा पानी मिलता है। एक और एग्जांपल मैंने आपको जो सबसे बेस्ट बताया था कि कभी भी हम गर्मी के दिनों में नहा के बाहर निकलते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे को एकदम से बिल्कुल ठंडा फील होता है जब भी एयर हमारे बॉडी के टच में आके जाती है। रीजन यही है सेम कि जो भी एयर हमारी बॉडी के टच में आई उसमें बेसिकली हमारे बॉडी पे पड़ा हुआ जो भी पानी है उसको इवेपोरेट किया जिसकी वजह से इवेपोरेटिंग कूलिंग का कॉन्सेप्ट लगा और जो हमारा हमारी बॉडी का सरफेस है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इवेपोरेटिव कूलिंग के केस में एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द वॉटर इट्सेल्फ, पानी खुद अपनी एनर्जी लूज करता है जिसकी वजह से इट लीड्स टू अ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वॉटर, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। सो वॉटर रिमेन्स कूल इन द अर्थन पॉट इन समर। सो फ्रेंड्स जिसकी वजह से पानी जो है वो ठंडा रहता है अर्थन पॉट में। सो फ्रेंड्स अगर आपको कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है तो इवेपोरेटिव कूलिंग आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने हर स्लाइड में बार बार इवेपोरेटिव कूलिंग का जिक्र किया है। सो फ्रेंड्स इवेपोरेटिंग कूलिंग इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से आपका कूलिंग टावर बेसिकली इसी पे काम करता है। सो फ्रेंड्स होप आपको इवेपोरेटिव कूलिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स कूलिंग टावर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जस्ट इतना ही याद रखिएगा। फ्रेंड्स कूलिंग टावर का बेसिक जो यूनिट ऑपरेशन काम करता है कूलिंग टावर में वो होता है इवेपोरेशन। जो भी हमारा कूलिंग वाटर ठंडा होता है उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट होता है मेरा इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसको मैंने इस लेक्चर में काफी डिटेल वे में कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं कवर करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, जिसमें बेसिकली मैं लूंगा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसको अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट रहता है तो प्लीज मेरे आप वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेरी का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।